आखिर क्यों माही विच पहुंची पुलिस स्टेशन? आखिर किसने किया माही को परेशान? किसने दी माही को धमकियां? वेल क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। माही विच और जय भानुशाली काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं। वही कल की बात की जाए तो जय माही ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रोल के बारे में खुलकर बताया था कि कैसे पारस छाबरा के शो मुझसे शादी करोगे की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जब शो में जय भानुशाली आए थे तब एक बात पर उनका और पारस का एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, और इन सब चीजों के बीच जब ठीक वार किए जा ही रहे थे कि एक फीमेल कंटेस्टेंट ने इस बात को सही साबित किया, बस इसी के बाद से जय और माही की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और वहीं आज कुछ और नई बातें जो सामने आ रही हैं, वो ये कि कुछ ट्रोलर्स ने जय माही की बेटी तारा पर अटैक करने की धमकी दी है। वहीं जब माही ने ऐसे ट्रोलर्स को देखा तो वो काफी परेशान हो गई, और इसके जवाब में माही ने कहा, डोंट गेट माई डॉटर इन बिटवीन, दम है तो आओ सामने वरना भौंकना बंद करो, शेम ऑन यू पीपल, शेम ऑन योर फैमिली फॉर प्रोड्यूसिंग सच बैड सोल्स। वहीं जब माही से जानने की कोशिश की गई कि क्या है पूरा मामला, तो सामने आ गई एक और नई घटना, जहां माही ने रिवील किया एक और नया शॉकिंग इंसिडेंट, जहां एक ट्रोलर ने ना सिर्फ तारा पर कमेंट किया बल्कि उसने लिखा, आई विल रेप योर मदर। वहीं जब माही ने ये इंसिडेंट एक पोर्टल से शेयर किया और बताया कि वो इन ट्रोल्स को देखकर सदमे में चली गई हैं, और वापस उन्होंने लिखा कि अगर हो गट्स तो वो उन्हें आकर ओशिवारा पुलिस स्टेशन मिले, और आपको बता दे कि माही ने किया भी यही। वहीं आगे माही ने बताया कि मैं ओशिवारा पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने वहां कम से कम 1.25 घंटा इंतजार किया कि शायद वो अननोन कॉवर्ड शायद आ जाए, ऑफ कोर्स ही डिडंट टर्न अप, व्हाट्स मोर उसने तो अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया, और मैं कंप्लेंट नहीं कर सकी क्योंकि तब तक सब डिलीट हो चुका था। माही जिन्होंने इन ट्रोल्स को ध्यान में रखते हुए बेहद अफसोस जताया और ये कहते हुए अपनी बात को कंक्लूड किया, अगर आप मेरी बेटी या माँ पर हमला करेंगे, आई विल योर हैप्पीनेस। वेल, आपको माही का पक्ष कितना सही लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए टेली मसाला।